Hi guys, this is Vandana from Suzu Travels and I am a travel agent and I'm gonna make your tour plan for Manali. So don't wasting you so much time, let's begin. So today, मैं आपको बताऊंगी हिमाचल की वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन ऑफ मनाली के बारे में. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है. मैं आपको बताऊंगी कि मनाली आने के सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव और कंफर्टेबल वे कौन कौन से हैं, आपको कहाँ पर स्टे करना चाहिए और कौन सी डेस्टिनेशंस आपको विजिट करनी चाहिए. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी मनाली की कंप्लीट आइटनरी. सो मनाली एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो स्नो के लिए जानी जाती है. आपके लिए यहाँ पर पहुँचना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है. आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, आपके लिए मनाली आने के 3 सूटेबल वेज हैं. आप बाय एयर आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं या बाय रोड भी आ सकते हैं. अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ या दिल्ली आ सकते हैं. अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ या दिल्ली या अम्बाला कोई भी स्टेशन रीच कर सकते हैं. उसके बाद आप वॉल्वो या कैब जो भी आपको सूटेबल लगे आप बुक करके आ सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी मेमोरेबल हो और आपका टूर स्मूथली जाए और किसी भी टाइप की दिक्कत या परेशानी ना हो, तो इसके लिए मैं स्क्रीन पर और कैप्शन में नंबर शेयर कर रही हूँ. एंड ऑन दिस नंबर यू कैन रीच अस एंड गेट योर कस्टमाइज्ड टूर पैकेज. सो ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं डे वाइज आइटनरी. सो डे 1, आप सबसे पहले हिडिंबा देवी टेम्पल विजिट कर सकते हैं जो सेंट्रल मनाली से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चुंगरी देवी विलेज में है. प्राचीन मंदिर जो महाकाव्य महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है, यह एक लोकप्रिय मंदिर है. यहाँ हिडिंबा देवी के पदचिन्हों की पूजा की जाती है. एंड सेकंड प्लेस आप विजिट कर सकते हैं विशिष्ट मंदिर. विशिष्ट मंदिर मनाली का सबसे प्रमुख मंदिर है जो मनाली से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. यहाँ पर बहुत ही शानदार गर्म पानी के चश्मे हैं जो बेहद पवित्र माने जाते हैं. ये माना जाता है कि इससे कई प्रकार की बीमारियाँ ठीक होती हैं. यह मंदिर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है जो भगवान राम के कुलगुरु थे. यह मंदिर 4000 साल से भी पुराना माना जाता है. थर्ड प्लेस की बात की जाए तो आप विजिट कर सकते हैं वन विहार. यहाँ आपको एंट्री टिकट लगेगा जो अप्रॉक्स 10-15 रुपीज़ पर पर्सन होगा. नेक्स्ट आप जा सकते हैं क्लब हाउस जो ओल्ड मनाली में मॉल रोड में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. यहाँ पर एंट्री टिकट लगेगा जो अप्रॉक्स 25 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा. यहाँ आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कैप्स, शॉल्स, कारपेट्स, बैग, गिफ्ट आइटम्स एट्सेट्रा मिल जाएंगी. नेक्स्ट आप जा सकते हैं तिब्बतन मोनेस्ट्री जो मॉल रोड से 500 मीटर के डिस्टेंस पर है. अगर आप बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये प्लेस ज़रूर विजिट करना चाहिए. और इसके साथ ही आप तिब्बतन मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर बात की जाए होटल्स की, तो अगर आप होटल्स मॉल रोड से 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बुक करेंगे तो आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा क्योंकि मॉल रोड पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और वहाँ के होटल्स भी आपको थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे. सो डे 2 की बात की जाए तो सोलांग वैली आप विजिट कर सकते हैं जो मनाली से अप्रॉक्स 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. दिसंबर जनवरी में आपको सोलांग वैली में बहुत सारी स्नो देखने को मिल जाएगी और लाइव स्नोफॉल इन 2 महीनों में ही आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर आप रोपवे के थ्रू हिल टॉप तक जा सकते हैं. इसके चार्जेस 750 पर पर्सन तक रहेंगे. यहाँ आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं. अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं तो इसमें रोप वे चार्जेस इंक्लूडिंग है जो 3500 पर पर्सन रहेगा. यहाँ पर आप अंजनी महादेव जो मनाली जो सोलांग वैली की मेन अट्रैक्शन है विजिट कर सकते हैं, जहाँ आप हॉर्स राइडिंग करके पहुँच सकते हैं. हॉर्स राइडिंग का 450-500 पर पर्सन चार्जेस रहेगा. अप्रॉक्स 25-30 मिनट में आप वहां पहुंच जाएंगे. यहां पर एक्टिविटीज़ जैसे बंजी जंपिंग, स्लिप लाइन, स्केटिंग
ट्यूब साइडिंग, याक राइड और हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा रहेंगे। अंजनी महादेव पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी स्नो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस, वी कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। इसके बाद आप अटल टनल विजिट कर सकते हैं जो सोलांग वैली से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अटल टनल इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टनल इन द वर्ल्ड जो अप्रॉक्स 9 किलोमीटर रहेगा। इसके बाद आप शिशु विलेज विजिट कर सकते हैं जो कैंपिंग साइट्स और वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ आप शिशु लेक भी विजिट कर सकते हैं। डे थ्री की बात की जाए तो आप नक्कर कैसल विजिट कर सकते हैं जिसे अब हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया गया है जो मनाली से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसे कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था। इसे स्टोन एंड टिम्बर वुड का यूज़ करके बनवाया गया था। सेकंड आप विज़िट कर सकते हैं री आर्टिकल आर्ट गैलरी जहां आपको 1913 में मोटर कार्स रशियन आर्ट पीसेस बने देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आज भी प्रिजर्वेशन में रखा गया है एंड दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस टू विजिट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज एंड if you have any confusion or query so you can visit our website ka link aapko description mein mil jayega। thank you।